अरे बोलो, हम सब चाहते हैं कि नहीं? कौन चाहता है अल्लाह पाक हम तमाम को इज्जत वाला बनावे? हम सब चाहते हैं। अब आदमी सोचता है कि माल वाला इज्जत नहीं, कुर्सी वाला नहीं, डिग्री वाला टेम्परेरी इज्जत। अल्लाह पाक की तरफ से जो इज्जत मिलेगी वो परमानेंट इज्जत मिलेगी। अल्लाह की तरफ से जो इज्जत मिलेगी वो अनलिमिटेड मिलेगी। दुनिया की इज्जत अगर मिली भी तो लिमिटेड, लेकिन आखिरत की और दुनिया की अल्लाह की तरफ से जो इज्जत मिलेगी अनलिमिटेड इज्जत मिलेगी। अब इसके लिए अल्लाह पाक ने हम तमाम को फरमाया वलिल्लाहि इज्जतु वलि रसूलिही वलिल मुमिनीन। इज्जत अल्लाह के खजाने से चलेगी और नबियों के वास्ते से ईमान वालों को अता होगी। क्या मतलब? हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक अल्लाह पाक ने हम तमाम को खिताब करते हुए फरमाया मा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो कुछ के अल्लाह के नबी हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं उसको मजबूती से पकड़ लो, और जिन तमाम चीजों से रोका है इन तमाम चीजों से रुक जाओ। अगर ये जिंदगी में आ गई तो फिर अल्लाह पाक का वादा है अल्लाह के खजाने से नबियों के वास्ते अल्लाह पाक ईमान वालों को इज्जत अता फरमाए, और अल्लाह पाक की इज्जत मिली हुई होगी तो दुनिया के कोई आदमी हमको जलील नहीं कर सकता। आपने सुना होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, कितने बड़े अल्लाह के वली हैं। हर आदमी ये चाहता है कि मैं अपने बुजुर्गों के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखूं। सहाबाई के नाम को अल्लाह पाक ने कितनी इज्जतें दी है। हर आदमी चाहता है कि मैं अपने बच्चों का नाम सहाबाई के नाम के नाम के मुशाबे रखूं बेटा। लेकिन दुनिया में किसी ने अपने बच्चे का नाम कारून रखा है? बोलो। अरे बोलो, माल वाला था। किसी ने अपने बच्चे का नाम फिरौन रखा है? ओहदे वाला था, हुकूमत वाला था। क्या बात हो गई? फरमाया दीन जिंदगियों में है तो फिर अल्लाह पाक की तरफ से इज्जतों के दहाने खुलेंगे। दुनिया में हर आदमी चाहता है कि अमन अमान के साथ जिंदगी गुजरे। अरे बोलो, हम सब चाहते हैं कि नहीं? अब अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अमनु वहुम मुहतदून। ईमान के साथ जिंदगी गुजरी और उसमें जुल्म और शिर्क न मिला। अल्लाह पाक का वादा है उलाइका लहुमुल अमन, ऐसे लोगों को अमन व अमान अता फरमाएंगे और ऐसे लोग दुनिया में हिदायत याफ्ता होंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हातिम ताई का बेटा अदी इब्ने हातिम आए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम में दाखिल हो जा, सलामती के साथ जिंदगी गुजारेगा। उसने कहा मैं भी एक मजहब पर हूँ, मेरा भी एक दीन है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे दीन को तुझसे ज्यादा मैं जानता हूँ। तेरे दिन में ज़कात इतनी है और तू इतनी वसूल करता है। आपने एक दो बातें बतलाई। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशिन गोई फरमाई और आपकी बात दुनिया में कभी भी गलत नहीं। अरे बोलो, नहीं हो सकता। अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में बैठे हैं, बाहर से आने वाले एक सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बाहर से आने वाले एक साथी ने कहा अबू दर्दा आपके मकान को आग लग गई। अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे नहीं, मेरे मकान को आग नहीं लग सकती। दूसरे साथी ने आकर कहा अबू दर्दा जल्दी से जाओ, आपके मकान को आग लग गई। कहा नहीं। तीसरे ने कहा अबू दर्दा आग लग चुकी है, जल्दी से आप पहुंच जाओ, आपके मकान के करीब आग। फरमाया नहीं, मेरे मकान को आग नहीं लग सकती। चौथे आदमी ने आकर यूं कहा ए अबू दर्दा महल्ले में आग लगी थी और लगते लगते आपके मकान के करीब आकर आग बुझ गई। पहले तीन साथी जिन्होंने खबर दी और आपके शागिर्द बैठे हुए थे
इनमें से किसी ने कहा, ए अबू दर्दा, कोई मशीनरी नहीं, कोई दूरबीन नहीं, कोई देखने का आला नहीं। अब बैठे बैठे इतने यकीन के साथ कहते थे कि मेरे मकान को आग नहीं लग सकती, क्या बात हो? तो क्या फरमाया कि मैंने हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, मैंने हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जो इस दुआ को सुबह के वक्त में पढ़ेगा अल्लाह शाम तक तमाम हवादिस से उसकी हिफाजत करेंगे, जो शाम के वक्त में पढ़ेगा सुबह तक अल्लाह तमाम हवादिस से, तमाम नागहानी तकलीफों से अल्लाह उसकी हिफाजत करेंगे। जब मैं सुबह में चला इस दुआ को पढ़कर चला था, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता अलैका तवक्कलतु, ये मुख्तसर सी दुआ है, मैं इस दुआ को पढ़कर चला था। अब मेरे को यकीन है सारी दुनिया की आंखें गलत देख सकती है, सारी दुनिया का तजर्बा गलत हो सकता है, मेरे नबी की बात कभी भी गलत, अरे बोलो, नहीं हो सकता। ये दावत के मुबारक मेहनत के जरिए से दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह उसके रसूल की बातों का यकीन जितना आएगा उतनी उसकी जिंदगी आमली बनती चली जाएगी। और अल्लाह पाक ने हमारी पैदाइश के मकसद को बतलाया, अय्युकुम अहसनु अमला, हमने तुमको इसके लिए पैदा फरमाया है ताकि तुम अच्छे से अच्छे अमल करके लाओ। नमाज तो अच्छी, रोजा तो अच्छा, अल्लाह का जिक्र तो अच्छा, माँ बाप के साथ का ताल्लुक तो अच्छा, पड़ोसी के साथ एहसान का मामला, अपनी बीवी बच्चों के साथ की जिंदगी कितनी अच्छी कि शरीयत के मुताबिक अगर तुम्हारा इस्तिंजा भी होगा अल्लाह पाक उसको भी दीन बनाएंगे। तो हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदी इब्ने हातिम से तीन बातें बतलाई। एक तो यूं फरमाया, इन तालत हयातुक, ए अदी, अल्लाह तेरी जिंदगी को लंबी करे इस दावत और दीन की बरकतों से, अल्लाह पाक दुनिया में ऐसे माहौल को पैदा करेगा कि कैसर और किसरा के खजाने मुसलमानों के हाथों में फतह होंगे। दूसरी पेशन गोई फरमाई, ऐसा दीन और यकीन और अल्लाह के अहकामात और अल्लाह के नबी की सुन्नतों की बरकतों से दुनिया में माहौल पैदा होगा कि दुनिया के अंदर अमन अमान आएगा। एक औरत 1000 किलोमीटर दूर से बैतुल्लाह का तवाफ करने के लिए आएगी, सजी सजाई लदी लदाई होगी, लेकिन कोई उसकी तरफ बुराई से देखने वाला नहीं होगा। और तीसरी बात बतलाकर अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस दीन और दावत की मेहनत की बरकत का नतीजा ये होगा कि दुनिया में माल की फरावानी होगी और दुनिया में कोई गरीब बाकी नहीं रहेगा। माल लेकर जकात देने वाले चक्कर लगाएंगे लेकिन कोई इस माल को कबूल नहीं करेगा। हम सब चाहते हैं कि अल्लाह पाक हमारे लिए भी बरकतों के दहाने खोल दे, अरे बोलो, सब चाहते हैं कि नहीं? कौन चाहता है अल्लाह हमारे माल में बरकत देवे? अरे बोलो, हर आदमी चाहता है। وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ پاک قرآن پاک کے اندر کہتے ہیں ایمان و تقوی والی زندگی ہوگی، اللہ پاک کی طرف سے برکتوں کے دہانے کھلیں گے۔ اور برکتیں مال کی کثرت کو نہیں کہتے، مال تو تھوڑا ہے لیکن ہمارا کام اللہ پاک آسان کر دے۔ جابر ابن عبداللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی خندق کے موقع پر، جب آپ کے پیٹ پر دو پتھر بندھے تھے، جلدی سے گھر گئے، اپنی بیوی کو پوچھا کھانے کی کوئی چیز ہے؟ ہاں کچھ جو، دو چار آدمی کھا لیں گے، ایک بکری کا بچہ، چار پانچ آدمی کو دعوت دے دو۔ پوری کارگزاری سنائی، اللہ کے نبی کی حالت آ کر کان میں کہنے لگے جابر ابن عبداللہ، اے اللہ کے نبی، آپ کے ساتھ چار پانچ آدمی کی دعوت دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، 1400 کا مجمع ہے، اور سب کے درمیان میں اعلان کر دیا، جابر ابن عبداللہ کے گھر ہماری سب کی دعوت دے۔ اب یہ تو دوڑے جلدی سے، اور بیوی کو کہا، گزب ہو گیا، ابھی کیا ہو گیا، چار پانچ آدمی کی دعوت اور 1400 کا مجمع آ رہا ہے،
لیکن صحابہ صحابیات اللہ والوں کے دلوں کا یقین یہ ہے. بیوی نے پوچھا آپ نے پوری کارگزاری بتلائی کتنے آدمی کا کھانا ہے بتلایا؟ بولے ہاں. اب فکر کرنے کی بات نہیں, اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کی مدد یقینی ہے. تو چار پانچ آدمی کا کھانا کتنے لوگوں نے کھایا بولو؟ 1400 نے. ہم سب چاہتے ہیں اللہ پاک ہماری زندگیوں میں برکت دے. ارے بولو کون چاہتا ہے؟ ہر ساتھ مجھے. اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتلا دوں, برکتیں تو دین میں اللہ نے رکھی ہے, لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس عمل کو کوئی کر لے گا اللہ اس کو 3 انعام عطا فرمائیں گے. پہلا انعام یہ ملے گا اللہ پاک اس کو برکت والی روزی دے گا. دوسرا انعام یہ ملے گا اللہ اس کے اور بیوی کے درمیان کی لڑائی جھگڑے کو ختم کر دے گا. کون چاہتا ہے کہ میری بیوی کے ساتھ میں سکون میں رہوں؟ ارے بولو, ارے بولو, سب چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اور تیسرا ہر آدمی چاہتا ہے میرا خاتمہ ایمان پر ہو. ارے بولو کون چاہتا ہے؟ چھوٹا سا عمل بتلا دوں؟ ارے بولو عمل کرو گے انشاءاللہ. ہم سب فجر کی نماز تو پڑھتے ہی ہے, فجر کی 2 رکعت سنت اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں پڑھ لے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو 3 انعام عطا فرمائیں گے. پہلا انعام یہ ہوگا اللہ اس کی روزی میں برکت دے گا, دوسرا انعام یہ ہوگا اس کے اور بیوی کے درمیان کی لڑائی جھگڑے کو اللہ ختم کر دے گا, اور تیسرا انعام یہ ملے گا اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے. جب ایک سنت کے عمل کرنے پر اللہ پاک کی طرف سے یہ نعمت ملے گی تو تمام فرائض, تمام واجبات, تمام سنتیں, تمام عبادات, معاملات, معاشرت, اخلاق, ایمانیات, پھر سنت, مستحبات, واجبات, آداب, پھر ہماری اپنی زندگی, پھر اپنی بیوی بچے, پھر اپنے رشتہ دار, پھر اپنا خاندان, پھر اپنا گاؤں, اپنا شہر, اپنا ضلع, اپنا صوبہ, پھر پوری دنیا, پھر قیامت تک آنے والے انسانوں کی زندگی میں اللہ حقیقت والا دین عطا فرماوے. اگر اس محنت کو میں اور آپ کریں گے بولو اللہ پاک دنیا اور آخرت میں کتنی عزت عطا فرمائیں گے. تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب محنت کریں گے انشاءاللہ. ایک محنت تو باہر کی نقل و حرکت ہے اور ایک محنت مقام پر ہے. قاضی ابن حاتم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر اسلام میں داخل ہو گئے. کہنے لگے میں بھی اس موقع پر تھا جب کسرا کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھوں میں فتح ہوئے, اور ایک موقع آیا حضرت عمر کے زمانے میں ایک عورت یمن سے چلی بیت اللہ کا طواف کیا, لدی لدائی سجی سجائی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے بہن راستہ 1000 کلومیٹر کا ہے اور تو جوان عورت کیا راستے میں لوگوں کو کیسا پایا؟ ہم نعمان کی کیفیت پوچھ رہے. اس عورت نے بتلاتے ہوئے کہا امیر المومنین کوئی میرے کو اپنا بھائی نظر آتا تھا, کوئی میرے کو اپنا والد نظر آتا تھا, اس کے علاوہ میں نے تیسرا رشتہ محسوس نہیں کیا. آج دوستو بزرگو میں اور آپ اپنی بچیوں کو اکیلا نہیں رکھ سکتے, لیکن اس دعوت کی مبارک محنت پر اللہ پاک کا وعدہ ہے اولئک لہم الامن وہم مہتدون, ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک امن و امان کو قائم کریں گے. اور تیسری بات یہ فرمائی دعوت عظیمت میں لکھا ہے سن ہجری 99 کے اندر عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایلچی اور سفرا کو بھیجا افریقہ کے مالداروں سے زکات وصول کر لو. جب زکات وصول ہو گئی ان لوگوں نے لکھا امیر المومنین اس کا کیا کرے؟ بولے وہیں کے غریبوں کو تقسیم کر دو. اب یہ جانے کہ چلو تقسیم کر دے وے, اور ایک ایک کے پاس گئے بھائی زکات کا مال تم لے لو. بولے ہم صاحب نصاب مالدار ہیں, ہم زکات کے مستحق نہیں. کہنے لگے کہ مال لے کر سفیر چکر لگانے لگا لیکن کوئی مال کا لینے والا نہیں ہے. پیارے نبی کی بات عدی ابن حاتم سے فرمائی لیکن سن 99 کے اندر اللہ پاک نے قبول کر کے بتلایا کہ دنیا میں دین کی برکتوں سے اللہ پاک مال کی اتنی فراوانی اور برکتیں عطا فرمائیں گے کہ کوئی زکات کا لینے والا نہیں ہوگا. اور یہ تو قانون ہے,
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان اپنے مالوں کی زکات پوری ادا کر دے روئے زمین پر ایک آدمی بھی غریب اور فقیر باقی نہ رہے. لیکن آج روئے زمین کے اوپر غریب اور فقیر باقی ہے, اس کا معنی کیا بولو؟ مسلمانوں کی زکات ادا نہیں ہوتی. یہ مبارک محنت کے ذریعے سے اللہ پاک پورے دین کو زندہ کرنے کی طاقت پیدا کریں گے. اکثر آدمی ہر سال 4 مہینے باہر لگائیں گے تو 8 مہینے مقام پر لگائیں گے, اور اگر چلا باہر لگائیں گے تو 11.5 مہینے کہاں لگائیں گے بولو؟ مقام پر لگیں. تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب مقامی محنت کریں گے. کون کون نیت کرتا ہے کریں گے؟ پکی بات کر رہے ہو؟ پانی پر لکیر کے پتھر پر لکیر؟ ارے بولو, پانی کی لکیر تو 1 منٹ میں, پتھر پر لکیر. پکے وعدے کریں گے, اور جب آدمی اندر سے پکا ہوتا ہے نا پھر اللہ پاک بھی اس کو پکا کر کے بتلاتے ہیں. پہلا عمل, دنیا میں ہر آدمی کے پاس 10-15 منٹ اللہ کے دین کے سوچنے کا موقع تو اللہ نے دیا ہی ہے. کیسا ہی مشغول آدمی ہو لیکن وہ کہے کہ 10-15 منٹ میرے پاس نہیں ہے, نہیں. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی لائن کی تھوڑی دیر کا فکر کرنا اپنے مقام کی 70 سالہ نفلی عبادت سے افضل ہے. ایک آدمی 10-15 منٹ فکر کر لے ہمارے محلے کی بے دینی کیسے دور ہو جاوے, ہمارے محلے میں مرد اور عورت, بچے, جوان, بوڑھے, مالدار, غریب, پڑھے لکھے, ان پڑھ, سب کے سب کیسے دیندار اور نمازی بن جاوے, ہر گھر میں تعلیم کا عمل کیسے زندہ ہو جاوے, ہماری شادیوں میں, خوشیوں میں, غمیوں میں, ہمارے ہر مسئلے میں اللہ کے احکامات اور اللہ کے دین کے مطابق ہماری زندگی گزرے. اگر آدمی 10-15 منٹ مسجد و جماعت میں بیٹھ کر فکر کر لیتا ہے, اللہ کی ذات سے امید ہے محلے میں جتنا دین وجود میں آئے گا ان بیٹھنے والوں کو نیت کے برابر اللہ پاک ثواب عطا فرمائے. ارے بولو, سستا سودا ہے کہ نہیں؟ اور میں آپ کو ایک اور بات سنا دوں, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لموقف ساعت فی سبیل اللہ, تھوڑی دیر. ایک محدث نے, کسی نے پوچھا کہ تھوڑی دیر جو حدیث کے اندر ہے کیا مراد؟ فرمایا 20 منٹ. ایک آدمی تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں ٹک جاوے, اپنے آپ کو جمع دیوے, اپنا 20 منٹ کا وقت لگا دیوے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب قدر, رمضان کا مہینہ, بیت اللہ مسجد حرام کی جگہ اور حجر اسود کے سامنے عبادت کرے, اس پر جتنا ثواب ملے گا اس سے زیادہ خیر کا لفظ پیارے نبی نے فرمایا, افضل وہ آدمی ہے جو تھوڑی دیر اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں جمع دے وے. نیت کرو انشاءاللہ روزانہ مسجد و جماعت میں بیٹھیں گے. ارے بیٹھو گے انشاءاللہ, 10-15 منٹ ہوتی ہے. آج کیا کام ہوا, آئندہ کیا کام کرنا ہے. ہمارے محلے میں 100% نماز نہیں ہے. آدمی کیا کہتا ہے, میری مسجد میں, میں نے ایک آدمی کو پوچھا تمہاری مسجد میں فجر کی نماز میں کتنا آتے ہیں, بولے 4 صفحے بھر جاتی ہے. منہ بھر کر آدمی بولتا ہے نا. ارے بولے, جب 2-5 لاکھ روپے کما کے لاتا ہے تو اس کی چال بدل جاتی ہے, اس کی زبان کے بول بدل جاتے ہیں, تو آدمی کے ہاتھ تو 1 لاکھ روپے. ارے بولے, ذرا لمبا کر کے بولتا ہے کہ نہیں؟ تم لوگ بولتے ہو کہ نہیں؟ آنند والے ہمارے سورت میں تو لوگ بولتے ہیں, تم لوگ تو سب جنید بغدادی ہو. ارے بولو, تم لوگ بھی بولتے ہو, ایسا ہوتا ہے؟ تو 10-15 منٹ بیٹھ لو اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے, اپنے آپ کو جمانا, تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں بیٹھنا, تھوڑی دیر. لیکن پورے محلے کی بے دینی جب بھی دور ہوگی تو اس نے یوں کہا, میں نے پوچھا کہ تیری مسجد میں فجر کی نماز میں کتنے ساتھی, بولے 4 صفحے. اچھا, ایک سب میں کتنے آدمی, بولے 30. تو 4 سب میں کتنے ہوں گے بولو, 120. میں نے پوچھا کہ تیرے محلے میں مکان کتنے ہیں مسلمانوں کے, بولے 300. اچھا, بالغ مرد کتنے ہیں, بولے 600. اب میں نے کہا 600 بالغ مرد ہے
और हर बालिग मर्द आकिल बालिग पर अल्लाह पाक ने नमाज को फर्ज किया है। अब 600 में से 120 आदमी आए, कितने फीसद कितने टके हुए? 20। ऐसी टके लोग नहीं है। और आदमी मुंह भर कर कहता है चार सफे आगे नहीं, मैं और आप भी अपनी मस्जिद के अतराब में सोच। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने पूछा, आप ये दावत की मुबारक मेहनत के जरिए से क्या चाहते हैं? फरमाया, हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को दीन की जिस सतह पर छोड़ करके गए थे, दोबारा उम्मत में इस सतह का दीन जिंदा हो जाए। और आपके जमाने में जहां तक अल्लाह पाक ने इस्लाम को पहुंचाया, एक आदमी भी झूठ बोलने वाला नहीं, एक आदमी भी धोखा देने वाला नहीं, एक आदमी भी बगैर नमाजी नहीं, एक औरत भी बगैर पर्दे के जिंदगी गुजारने वाली। अल्लाह पाक ने पूरा निजाम 23 साल जिंदगी में बदल दिया। मेरे और आपके महल्ले में इतने साल हो गए, 70-80-90 साल हो गए, लेकिन अभी तक बोलो 100% नमाज नहीं, 50% नहीं। हम एक मरतबा गए बुजुर्गों के पास, तो कारगुजारियां होती है ना, 4 महीने की इतनी जमाते, चिल्ले की इतनी, 3 दिन की इतनी, मस्तूरात की इतनी, और जब ज्यादा जमात निकलते तो आप आदमी जरा बोलो ऊंची आवाज से, अरे बोलता है क्या? नहीं, आपके वहां नहीं बोलते? हमारे वहां तो बोलते हैं भाई। आपके वहां बोलते हैं? बोलते। तो मौलाना उबैदुल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, भाई कमियत की कारगुजारी तो बहुत हो गई, अब तो कैफियत की बतला दो। क्या पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई सूबा है जिसमें 100% नमाज जिंदा हो गई हो? अब पूरे हिंदुस्तान के लोग थे, गुजरात के 10-12, महाराष्ट्र के 15, यूपी के 25, तमिलनाडु, कर्नाटक सब मौजूद। अब मौलाना उबैदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने, ये तकरीबन 1988 की बात है, दावत की मुबारक मेहनत को 60 साल हो चुके थे, और आपने पूछा, भाई ये कोई सूबा बतला सकता है जिसमें 100% पूरी दिन की बात नहीं, इबादत में नमाज रोजा जकात हज मामलात माशरत अखलाक ईमानियात, ये 5 शोबे में से इबादत, और इबादत में से सिर्फ नमाज। अब मौलाना उबैदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, भाई पूरे हिंदुस्तान बैठा है, कोई हिंदुस्तान का सूबा बतला दो हमारे यहां 100% नमाज जिंदा हो गई। पूरा का पूरा हिंदुस्तान खामोश है। मौलाना उबैदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरा सवाल, अच्छा भाई पूरा सूबा नहीं बतला सकते तो कोई बड़ा शहर बतला दो, बंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद, कोयम्बतूर, मद्रास, जो 100% नमाज पर खड़ा हो गया हो। पूरा हिंदुस्तान खामोश। आपने कहा, अच्छा भाई कोई बड़ा शहर नहीं बतला सकते, कोई बड़ा कस्बा ही बतला दो। भाई आनंद एक बहुत बड़ा कस्बा है, जहां 50,000,000 मुसलमान, बतला दो। पूरा हिंदुस्तान खामोश। अच्छा कोई बड़ा खानदान ही बतला दो जिसमें 400-500 बालिग मर्द और औरतें हो और सबके सब नमाज पर खड़े हो गए। पूरा मजमा खामोश। फिर आपने कहा, देखो हमारी मेहनत तो ये है। फिर एक मिसाल देकर यूं कहा कि हाथी जब चलेगा ना तो थोड़ा चलकर मुड़कर देखेगा और खुश होगा कि मैं बहुत चला। हाथी को कभी देखा है किसी ने? किसने देखा है हाथी को? अब जरा ध्यान से देखना, एक कदम उठाएगा, फिर देखेगा, फिर हंसेगा, माशाल्लाह मैं बहुत चला। और घोड़ा, उसकी निगाह हमेशा आगे की मंजिल पर होगी। मौलाना उबैदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हाथी की चाल मत चलना, घोड़े की चाल चलना। माशाल्लाह चार सफे मुंह भरकर बोलने लगा, अरे भाई 120 नमाजी आ गए लेकिन कितने बाकी है बोलो? अरे बोलो 480 बाकी। 50 घरों में तालीम होती है लेकिन 125 घर बाकी है।
गश्त में 15 आदमी आ गए लेकिन 585 आदमी बाकी है। तालीम में 50 बैठ गए, बहुत बड़ा 50 बैठ गए लेकिन 550 बाकी है। तो नियत करो इंशाल्लाह हम सब इसकी चाल चलेंगे, हाथी की। अरे बोलो, कौन नियत करता है घोड़े की चाल चलेंगे? मैं अपने घर में, मैं अपने खानदान में, मैं अपने गली में, मैं अपने गांव में अगर ये मजमा नियत कर ले वे कि इंशाल्लाह नमाज को जिंदा करना है, अल्लाह की जात से उम्मीद है अल्लाह पाक नमाज को जिंदा कर देंगे। मालूम है आपको हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने नमाज पढ़ाकर सलाम फिराकर मस्जिद नबवी में देखा, एक आदमी नहीं थे, कितने बोलो कौन? अरे बोलो सुलेमान। क्या बात है, सुलेमान नजर नहीं आते, एक आदमी, एक आदमी। और इतना कहकर छोड़ दिया, हम तो छोड़ दे रहे भाई, देखो नहीं यार मस्जिद वाले जमात में लोग भी नहीं आते भाई, ठंड गर्मी में नमाज जल्दी है तो फजर की नमाज में लोग नहीं आते, इतना कहकर हम छोड़ देते हैं। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने देखा कि पूरी मस्जिद में एक आदमी गैरहाजिर। आप कहां गए बोलो? जमात को भेजा कि खुद गए? अरे बोलो खुद गए। ये नहीं कि जाओ तुम आदमी फुला को उठा के आओ तुम, नहीं खुद गए। और पूछा क्या बात है, आज तुम्हारा बेटा नजर नहीं आया? मां ने कहा कि रात पर नफलों में मशगूल था, फजर की नमाज घर पे पढ़कर सो गया। फरमाया बेहतर था कि रात भर सोता और फजर की नमाज बाद जमात मस्जिद में आकर पढ़ता। यह हमारी दावत की मुबारक मेहनत की मंजिल है। 100% दिन जिंदा हो जावे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की आवाज ये थी, अयुन कसुद्दीन वाना हय्युन, दीन में कमी आ जावे और अबू बकर जिंदा रहे। अल्लाह पाक ने हम तमाम को भी रिजाल बनाया है। नियत करो इंशाल्लाह अभी से लेकर 2 महीने 3 महीने अरे रमजान तक इंशाल्लाह 100% नमाज को जिंदा करेंगे। अरे करेंगे इंशाल्लाह, कौन कौन नियत करता है? अपनी बस की मेहनत कर लो, हर कसो नाकस को, छोटे बड़े को एक ही आवाज, और कोई नियम मांगते हैं इतना कर लो भाई नमाज पढ़ लो, भाई नमाज पढ़ लो। अगर आप इतनी मेहनत करोगे और एक धुन बनाओगे ना तो इंशाल्लाह आपकी मस्जिद 100% अल्लाह पाक नमाजियों से आबाद कर देगी। ये हमारे जो फजर की नमाज, और आमतौर पर हमारा मशवरा फजर के बाद होता है। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फजर के वक्त में अल्लाह ने बरकत रखी है, रोजी कमाने वालों को भी बरकत और दीन की मेहनत करने वालों में भी अल्लाह बरकत रखेगा। और 5-10 मिनट बैठना, बाजा मरतबा आदमी समझता है कि मैं नया आदमी क्या करूंगा, अरे नए पुराने का कोई मसला ही नहीं है। मस्जिद वार जमात में महल्ले के जितने बालिग मर्द है ये सब के सब मस्जिद वार जमात के अफराद। और बाजा मरतबा बंद दरवाजा होता है, हम लोग कड़ी कलोल में गए, वहां के साथियों ने सुनाया कि 5000 घर हमारे गांव में ऐसे हैं आज तक दावत के और गश्त की और दावत की मेहनत की हवा भी नहीं लेता। अंतश, अब उस इलाके में कैसे दावत की मेहनत के लिए दरवाजा खोलना, कैसे दाखिल होना, कैसे जहन बनाना? बाजे मर्तबा नया आदमी कोई राय देता है और अगर वो कबूल हो जाती है और उसके मुताबिक अमल कर लेते हैं अल्लाह पाक बंद दरवाजे को खोल देता है। अरे बोलो खोल देता है कि नहीं? हमारा एक साथी मिसाल देकर कहने लगा, एक आदमी 4-व्हीलर लेकर अपनी बीवी बच्चों को घुमाने के लिए गया और शाम के वक्त में जब वापस आ रहा है तो इसने देखा कि शाम का वक्त हो गया, जंगल बयाबान है और चलते चलते उसकी गाड़ी में पंचर हो गया। अब बिल्कुल ब्रिज के ऊपर गाड़ी खड़ी हो गई, उसने सोचा जल्दी से स्पेयर व्हील निकाल कर अपना व्हील फिट कर, अकेला है जंगल बयाबान में है, बीवी बच्चे साथ में है और कुछ जोखम भी है, इसको क्या कहते हैं? अरे बोलो क्या कहते हैं? तुम लोग कहते हो, हमारे वहां लोग कहते हैं जोखम अपने साथे से, क्या मतलब? कुछ रुपये भी है उसको आदमी इशारा करता है। अब वो बड़ा टेंशन में था कि क्या करे, जल्दी से उसने बोल्ट निकाले, पाली के ऊपर रखे और स्पेयर व्हील लगाने गया।
लेकिन जल्दबाजी में उसका हाथ लग गया उस बोल्ट पर जो उसने निकाल के रखे थे और वो नीचे पानी में गिर गए। अब परेशान हो गया कि मैं अपना स्पेयर व्हील कैसे फिट करूं। सामने से एक साइकिल वाला आया, उसने कहा भाई साहब बहुत टेंशन में हो, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? उसने कहा भाई साहब तू साइकिल वाला, मैं फोर व्हीलर वाला, तू नया मैं चार महीने वाला। अरे बोलो, तू साइकिल वाला और मैं फोर व्हीलर। अरे भाई साहब तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। आदमी को नशा होता है ना, माल का नशा, फोर व्हीलर का नशा। और कहने लगा कभी तेरे बाप ने गाड़ी देखी? एक्सीलेटर खबर है किसको कहते हैं, क्लच किसको कहते हैं खबर है? वो कहने लगा भाई साहब अगर तू कहे तो, लेकिन ये थक गया था, मजबूर था। अच्छा चल मेरी क्या मदद करेगा, अच्छा तेरी परेशानी बतला क्या है? बोले मेरे को चौथा व्हील अपना फिट करना है, एक्स्ट्रा जो स्पेयर व्हील होता है, और ऊपर के बोल्ट पानी में गिर गए। अब बगैर बोल्ट के मेरा व्हील फिट करके तू बतला दे। उसने कहा ये तो बहुत आसान है। अरे यार मैं टेंशन में हूं, तू मेरी मजाक उड़ाता है? फिर वो गर्व हुआ, फिर वो कहने लगा साइकिल वाले ये तो बहुत, अरे बोलो हमारी दावत की मेहनत भी बोलो और हमारा पूरा दिन भी बोलो। अदीन युसरो दिन आसान। अब ये तो थका हुआ था, डूबते को तिनका भी मिल जावे तो बोलो सहारा पकड़ लेता है कि नहीं? इसने कहा भाई साहब मेरी मजाक मत करने, क्या आसान है, बहुत मुश्किल है, बगैर नट बोल्ट के कैसे फिट होगा? उसने कहा बहुत आसान। क्या कहा बोलो? बहुत आसान। अच्छा क्या आसान है? तेरे तीन व्हील में से एक एक बोल्ट निकाल दे और अपना चौथा व्हील अभी फिट कर दे, टेम्परेरी तेरा गाड़ा गुजर जाएगा। अरे बोलो हो जाएगा कि नहीं? और शहर जाकर चार नट बोल्ट खरीद करके चारों में एक एक फिट कर दे, तेरा काम गुजर गया। अब अगर आदमी यूं कहे कि मैं तो नया हूं राय नहीं दू, और पुराना यूं समझे कि मैं नयो से राय नहीं दू, तो बाजे बंद दरवाजे नहीं खुल सकते। इसलिए हमारा नया पुराना अगर ये नियत कर लेता है कि हम इंशाल्लाह रोजाना मस्जिद व जमात में बैठकर, हम इस नियत के साथ कि हमारे महल्ले की बेदीनी अल्लाह कैसे दूर करे, अगर उसके लिए 10-12 मिनट बैठेंगे तो जितना दीन जिंदा होगा हम बैठने वालों को अल्लाह पूरा सवाब अता फरमाएंगे। नियत करो इंशाल्लाह हम सब बैठेंगे। कौन कौन सुबह फजर की नमाज के बाद या जो भी अपनी मस्जिद में मस्जिद व जमात का वक्त है बैठेगा बोलो? पक्की बात, अभी भी कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे और कुछ आधा उठाते हैं, टाइम मिलेगा तो बैठेंगे। मैं यूं कहता हूं इतना पूरा उठाओ कि अल्लाह पाक 100% हम सबको कबूल कर ले। कितने अमल हो गए? अरे मकामी कितने अमल हो गए? एक। कितना? मस्जिद व जमात में बैठना एक अमल। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे ईमानी और रूहानी तरक्की करनी है 5 अमलों की पाबंदी कर लो। नियत करो इंशाल्लाह 5 अमल हम सब करेंगे और अब तक जो हो गया अल्लाह से माफी मांगेंगे। अपने आप को बहुत होशियार समझते थे कि अरे हमारे को क्या मकामी मेहनत की जरूरत है, हम तो साल का चिल्ला लगा ही देते हैं। मैं कहता हूं एक चरवाहा बकरी का चराने वाला, बकरी ने बच्चे दिए तो बकरी चली जाती थी अपने बच्चे के पास। ये चरवाहा बकरी को पकड़ के लाया और बड़ी तेजी के साथ मजबूत अपने बाहों में पकड़ के रखा। थोड़ी देर हुई कि बकरी को मौका मिला तो फिर भाग गई, फिर इसके पीछे पीछे दौड़ा, फिर बकरी को पकड़ के लाया। एक बड़े मियां ऊपर खड़े खड़े देख कर कहने लगे ओ मेरे भाई तेरी मेहनत गलत लग रही है। इसने आंखें निकाल कर कहा बड़े मियां 20 साल से मैं बकरियों को चराता हूं, अच्छा मेहनत कर ले।
फिर वो बकरी को पकड़ के लाया, थोड़ी देर हुई कि बकरी छूट करके भाग गई। अब पसीना हो गया, दौड़ने में थक गया, बकिया बकरी संभाल दे संभाल दे। आखिर में बड़े मियां ने कहा मेरी बात मान ले। तबलीग वाले कहते हैं ना कि हमारी बात मान लो। अरे बोलो नहीं यार कि हर साल के 4 महीने लगा लो, रोजाना के 8 घंटे लगा लो और महीने के 10 दिन लगा लो। आम सहाबाई किराम की तरतीब थी। वो बड़े मियां कहने लगे भाई साहब तेरी मेहनत गलत है, तो दुनिया की मेहनत करता है और दीन की मेहनत छोड़ देता है, तो तेरी दुनिया में टेंशन प्रॉब्लम मसाइल मुश्किलात बेबरकती है। अगर तू दीन की मेहनत के साथ दुनिया कमाएगा अल्लाह पाक उसमें बरकत अता फरमाएगी। और मैं तो कहता हूं आमाल और माल, आमाल में तो माल है, अलीफ ऐन मीम अलीफ और लाम, आमाल में क्या है बोलो? लेकिन माल में आमाल है। अगर आमाल की मेहनत करोगे तो खुद ब खुद माल मुकद्दर का बरकत वाला देगा। तो बड़े मियां कहने लगे भाई साहब मेरी बात सुन ले। अब वो थक तो गया था, बकरी बार बार भाग जाती थी। अच्छा हाजी साहब जब आदमी थक जाता है ना फिर आता है, अब तुम कहो तो 4 महीने। कल ये हमारे एक साथी के मौलाना ने तश्कील की, मौलाना अभी ऐसा जाऊंगा मैं ऐसा जाऊंगा कि तुम देखते रह जाओ। मौलाना का ऐसा मेरे को नहीं करना, तू अभी 4 महीने चला। और हमारे मियां मोहम्मद चाचा अल्लाह इनकी खबर को नूर से मुनव्वर करे, एक मरतबा कहने लगे मैंने एक जवान की तश्कील की। उसने कहा आमिर साहब मेरा कारखाने की बहुत मशगूली है और अब थोड़ा टाइम छोड़ दो, ऐसा मैं जाऊंगा ऐसा जाऊंगा कि तुम याद करो। ठीक है, 2 महीने के बाद उस नौजवान का इंतकाल हो गया। आमिर साहब का फोन आया, मैं गया। आमिर साहब कहने लगे जनाजे के पीछे चलकर कि इसने 2 महीने पहले मेरी तश्कील पर यह कहा था ऐसा जाऊंगा कि तुम देखते रह जाओगे, आज मैं देखता हूं कि उसको कोई मौका नहीं मिला। मैं और आप अल्लाह के दीन की मेहनत को गनीमत समझे और नियत करो इंशाल्लाह 5 अमल पाबंदी के साथ हम सब करेंगे, करोगे इंशाल्लाह बहुत बड़ी खैर अल्लाह पाक वजूद में लाएंगे। तो वो बड़े मियां कहने लगा भाई साहब मेरी बात मान ले। अच्छा सुनो, हम लोग ऑस्ट्रेलिया में गए, एक आदमी रात के 12 बजे आया और जोर से अपना बिस्तर डाला और खुद भी नीचे गिरा। क्या हुआ? बोले 32 साल से मेरी तश्कील हो रही थी लेकिन मैं समझा कि दुनिया कमाकर मैं अपने मसाइल को हल कर लूंगा, लेकिन बगैर दीन के मेरे मसले हल नहीं हुए, आज मेरे को यकीन हो गया और मेरे को नींद के दरमियान में ये बात आई, अगर तू ये चाहता है कि तेरी जिंदगी दुनिया और आखिरत में कामयाबी हो तो जा दीन की मेहनत करके दीन जिंदगी में ला। अब मैं आया हूं थक करके, अब तुम 4 महीने कहो तो 4 महीने और 8 महीने कहो तो 8 महीने लगाओगे, लेकिन मैं और आप नियत करो इंशाल्लाह खुशी से दावत की मुबारक मेहनत का काम करेंगे। हमें थकाने की जरूरत नहीं कि थक कर के आदमी आ जाए। तो बड़े मियां कहने लगे तेरी मेहनत गलत है, दीन को छोड़कर दुनिया की मेहनत बोलो। अरे बोलो दीन को छोड़कर दुनिया की मेहनत सिर्फ गलत है। वो कहने लगे तो उसने कहा अच्छा भाई सही मेहनत बतला दे। उसने कहा तू बकरी पर मेहनत करता है ना, बकरी की मेहनत छोड़ दे, जा बच्चे को उठा के लिया। अब वो चरवाहा बकरी के बच्चों को उठा के लाया तो बकरी खुद ब खुद बोलो, अरे बोलो, पीछे पीछे चलने लगी। फिर वो बुजुर्ग कहने लगे बकरी तो दुनिया है, बकरी क्या है बोलो, जरा जोर से बोलो ना, और बकरी का बच्चा दीन है। जब तुम दीन की मेहनत करोगे तो दुनिया खुद ब खुद अपनी मुकद्दर की, बकरी का बच्चा दीन है, उसने उसको दीन को उठा लिया तो बकरी दुनिया खुद ब खुद बोलो इसके पीछे आए। तो नियत करो इंशाल्लाह 5 अमल पाबंदी के साथ करेंगे। पहला अमल मस्जिदवा जमात में बैठना, दूसरा अमल 2.5 घंटे लगाना, कितने घंटे बोलो, 2 घंटे बोलो ना, 2 घंटे 29 मिनट और 60 सेकंड, हंसो मत बोलो, 2 घंटे
29 मिनट और 60 सेकंड, इसको क्या कहते हैं? ढाई घंटे। माजे मरतबा बीवी पूछती है कि कहाँ गए थे? ढाई घंटे में गया था और लगा के आया आधा घंटा। ऐसा होता है तुम्हारे वहां? होता है हमारे वहां? होता है आपके वहां? होता है? अच्छा कोई दोस्त कहाँ है तू? मैं ढाई घंटे में हूं, अभी 10 मिनट में आता हूँ, अभी नमाज पढ़ के निकला ही और फोन, कहाँ है? मैं ढाई घंटे में। अच्छा तो अभी 10 मिनट में आता हूँ। तो इसका इसके ढाई घंटे कितने मिनट के हो गए? हम कहते हैं 2 घंटे 29 मिनट और 60 सेकंड। नियत करो हम सब ढाई घंटे लगाएंगे। लगाओगे इंशाल्लाह? आप कहोगे कि हमारे पास कहाँ वक्त है। एक डॉक्टर साहब मेरे को मिले, बोले तुम मौलाना ढाई घंटे की तश्किल औरों से तो कर लो, हम डॉक्टरों को छोड़ दो। क्या बात हो गई? बोले मैं 3 क्लिनिक रखता हूँ, 2 क्लिनिक और 1 विजिट आजकल होती है ना। अरे बोलो, एक धंधा हर एक को अच्छा नहीं लगता, तो साइड बिजनेस 2, 3, 4। हमारे एक साथी कहता है अब तो ये 2, 3, 4 धंधे करना फैशन हो गए। एक मोबाइल अच्छा नहीं लगता, अरे बोलो, एक सिम कार्ड अच्छा नहीं लगता तो कितने, एक 4 व्हील अच्छी नहीं लगती, घर के जितने अफराद है इतनी, अरे बोलो होता है कि नहीं? तुम तो ऐसे बुजुर्ग बन गए कि जैसे आज के 2019 में हो ही नहीं। अरे 2019 में हम चलते हैं और 4G ने 5G का जमाना चल रहा है। अरे बोलो, तो नियत करो इंशाल्लाह ढाई घंटे हम सब लगाएंगे। एक आदमी आया तो डॉक्टर नहीं हूं, कहा कि मैं सुबह 9 बजे क्लिनिक में जाता हूं, 12 बजे छूटता हूं। मैंने कहा 3 घंटे हो गए? बोले हाँ। फिर बोले एक जगह मेरी 2 घंटे की विजिट होती है, होती है ना दवा खाने में। अच्छा चलो गिन लो, 3 ने 2। फिर शाम को बोले मेरा 6 से 9 3 घंटे मेरा दवाखाना खुलता है, लेकिन मौलाना बात ही छोरों ने इतनी भीड़ होती है कि 10 बज जाते हैं। तो कितने घंटे और हो गए? 4। तो कितने हुए? 9। मैंने कहा आप कितना सोते हो डॉक्टर साहब? बोले हम तो कहे कि कम से कम 6 घंटा तो तंदुरुस्ती की अलामत है। अच्छा भाई 6 घंटे गिन लो, तो कितने हुए? 9 ने 6। मैंने कहा खाने पीने में? बोले हम कहते ना चबा चबा कर खाना, तो मेरे को खाने में देर लगती है, तुम सबको 1 घंटा लगे 3 वक्तों में, तो मेरे को 1.5 घंटा। अच्छा भाई 1.5 घंटा गिन लो, कितने हुए? बोले इस्तिंजा और गुस्सल अच्छी तरीके से मैं करता हूँ, 1 घंटा हो गया। कितने हुए? अच्छा नमाज तालीम और मुलाकात में मेरे 2 घंटे जाते, कितने हुए? 19:30। फिर कहने लगे एक बात मैं भूल गया। अच्छा क्या भूल गए? बोले रोजाना नई नई दवा ईजाद होती है ना, तो उसके लिए मेरे को रोज 1 घंटा मुताला करना पड़ता है। अच्छा चलो वो भी गिन लो, कितने हुए? मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ बाकी रहा? बीवी बच्चों के पास बैठना? हाँ। बोले आधा घंटा, वो भी गिन लो ना। अच्छा गिन लो, कितने हुए? फिर भी कितने बाकी रह गए? मैंने कहा 3 घंटे तुम्हारे, 2.5 घंटे से ज्यादा तुमको अल्लाह ने मौका दिया। बोले हाँ यार, कान पकड़ लिए। मैं आज तक यूं समझता था IMBC, लेकिन आज पता चला कि मेरे पास भी 3 घंटे। जब 3 क्लिनिक चलाने वाला डॉक्टर के पास वक्त होता है, तो हमारे तुम्हारे को तो अल्लाह ने बोलो आसान कर दिया है। तो नियत करो इंशाल्लाह हम सब 2.5 घंटे लगाएंगे, और 2.5 घंटे को मामूली मत समझो। बाजा मतलब आदमी 2.5 घंटे घर घर की मुलाकात, फर्द फर्द की मुलाकात, और कोई मौका होता है आदमी समझता है कि मुलाकात से क्या नफा, बहुत बड़ा नफा है। एक आदमी की जिंदगी बदल जाएगी, एक आदमी जन्नत और जहन्नम के मसले पर अटका हुआ है, आपकी मुलाकात की बरकत से अल्लाह पाक उसको जन्नत का मालिक बनाएंगे। मालूम है हम हफ्तावारी गश के दिन पहली तश्किल क्या करते हैं बयान के बाद? बोलो तुम्हारा 3 दिन की करते, मुफ्ती साहब को पूछना पड़ेगा। पहली तश्किल बोलो, जोर से बोलो ना, 4 मिनट। उसके बाद चिल्ला, उसके बाद 3 दिन। अब उसके बाद 5-10 मिनट मकामी मेहनत की तश्कील होती है। अरे बोलो होती है कि नहीं? एक जगह 100 आदमी थे, मकामी मेहनत की तश्कील शुरू हुई। अरे बोलो भाई 2.5 घंटे कौन लगाएगा? 50 आदमी ने नियत कर ली कि हम 2.5 घंटे लगाएंगे। अब कितने रह गए? 50। अब अमीर साहब समझदार थे जैसे तुम लोग हो ना, एक पगतिया नीचे उतर गए,
जब 2.5 घंटे तो 50 आदमी ने ले लिए, अब अच्छा भी चलो 1.5 घंटा कौन लगाएगा, तो उन 50 आदमी ने हम 1.5 घंटा लिखाई, अब कितने हो गए, 50 और उन 50 कितने बाकी रह गए, 1। लेकिन मतलब तुम्हारे जैसे चालाक लोग थे आनंद वाले जैसे, वो 1 आदमी को भी काय को छोड़े, पर तू नहीं लिखा था, बोले तुमने 2.5 घंटे और उसके बाद 1.5 घंटे तुम दूसरा एक पगथिया उतर जाओ तो मैं भी लिखा हूं। अच्छा कितना लिखा, बोले 1/2 घंटा। अच्छा चलो लिख लो। उसको पूछा क्यों 1/2 घंटा, बोले मैं रोज अहमदाबाद रहता हूं और रात को नौकरी करके 12 बजे आता हूं, तो मैं 1/2 घंटा दे सकता। अब आज तश्कील हुई कल पहला दिन पीर का, अब ये नौकरी करके रात के 12 बजे आया, तो नफ्स ने कहा सब सो गए मस्जिद बंद हो गई तू भी जाकर सो जाना। अरे बोलो नफ्स तो हमारा वमा उबरे नफ्सी इन नफ्स लम्मारे तुम विश्व यूसुफ अलैहि सलातो वस्सलाम ने कहा भाई नफ्स से तो पना मांगनी चाहिए, अगर आदमी नफ्सानी ख्वाहिशात के मुताबिक चलेगा तो बोलो दीन की मेहनत से क्या नमाज भी नहीं पढ़ सकेगा। तो नफ्स ने कहा अब आज सब सो गए तू भी जाकर सो जा, लेकिन दिल ने कहा कि नहीं तूने 1/2 घंटा लिखाया है और तू अमानतदार है, और हदीस के अंदर आता है कि भाई ईमान उसका नहीं जो अमानतदार नहीं, तो तू तो ईमान वाला है तेरे को तो अमीन बनकर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, कोई नहीं सो कोई नहीं जगता है तू मस्जिद के होटल पर 1/2 घंटा लगा दे। तो नफ्स और दिल की लड़ाई हुई, समझ गए बात को, दिल जीत गया, फैसला कर दिया कि 1/2 घंटा मस्जिद के ओटे पर लगाऊंगा। अभी तो बैठ गया 12 से 12:30 रात को, अल्लाह अल्लाह करता रहा दुआ मांगता रहा। सामने एक मुसलमान का घर था, लाइट ऑन हुई, एक आदमी जवान नीचे उतरा अपनी 4-व्हीलर निकाली, ये जल्दी से गया, पहला दिन है मुलाकात का। उसने कहा सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद भाई खैरियत से हो, बोला हाँ खैरियत। अब इसका पहला दिन है मस्जिद में जमात में तो बैठता था गश्तों में आता था, लेकिन 2.5 घंटे और 1/2 घंटे का पहला मौका। उसने कहा देखो भाई कामयाबी और नाकामी अल्लाह के हाथ में, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, बस ये 2 जुमले वो बोल सका। होता है ना पहले दिन आदमी ऐलान में बोलो, नमाज के बाद दीन की बात होगी की जगह पर दीन के बाद इंशाल्लाह नमाज होगी, अरे बोला आदमी उल्टा, हमारे में तो होता है तुम्हारे में तो नहीं होता ना, कैसा होता है। तो पहले दिन तो आदमी 2 जुमले, अब थोड़ी देर हुई कि ये वापस आ गया, वो गाड़ी वाले ने अपनी गैरेज में गाड़ी डाल दी और वापस ऊपर चला गया। इसने सोचा कि यार क्या बेवकूफी का काम किया, ऊपर से आया लाइट खोली गैरेज खोला 4-व्हीलर निकाली और बगैर कहीं गए वापस डाल दिया। कई सालों के बाद मुलाकात हुई, इसने उसको पहचान लिया उसने इसको पहचान लिया, अरे मैंने आपको कहीं देखा है। उसने कहा मैं तो तुमको बराबर जानता हूं। अरे बोलो पहले दिन की बात तो हरेक को याद रहती है कि नहीं, हम में से हरेक को याद है पहले दिन स्कूल में गए तो कैसी धमाल करके गए थे, और पहले दिन दुकान पे अब्बा ने बिठाया तो बोलो, और पहले दिन शादी हुई तो बोलो, देखो हंसते हर चीज का। तो उसको याद है अपनी दावत का पहला दिन था दावत का, बोले मैं तुमको जानता हूं, बोले उस दिन मैंने गैरेज से गाड़ी निकाली और तुमने आकर यूं कहा कि कामयाबी और नाकामी अल्लाह के हाथ में, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में। बोले हाँ मैं सोचता रहा कि तुमने 4-व्हीलर निकाली और वापस क्यों डाल दी। बोले सुनो मैं कॉलेज का स्टूडेंट था, हर साल कॉलेज के इलेक्शन में मैं जीतता था, इस साल मैं हार गया जिस साल अपनी मुलाकात हुई, और मेरे को नींद नहीं आ रही थी और मैंने तय कर लिया कि अब हार कर जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है, मैं खुदकुशी करने की नीयत से मरने की आपघात करने की नीयत से मैं नीचे उतरा था, लेकिन तुमने दो जुमले कहे कामयाबी और नाकामी अल्लाह के हाथ में, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, वो मेरे दिल में बात उतर गई, आज तक मैं कामयाब हुआ अल्लाह की तरफ से, और इस साल में नाकाम हुआ वो भी बोलो
बस मेरे दिल में तो हमारी मुलाकातें कोई मामूली चीज नहीं है। एक आदमी जन्नत और जहन्नम के दरमियान में फंसा हुआ था, इस मुलाकात की बरकत से अल्लाह पाक ने उसको जहन्नम से नजात दे दी। तो नियत करो इंशाल्लाह 2.5 घंटे भी लगाएंगे और हर घर के हर फर्द की मुलाकात करेंगे। अरे करेंगे इंशाल्लाह। आप कहोगे कि हमारी जमात में कोई आलिम नहीं है, कोई पुराना नहीं है, तो क्या पानी पीने के लिए कोई आलिम को ढूंढते हो? ग्राहक से बात करने के लिए कोई आलिम को ढूंढते हो? कोई पुराने को ढूंढ? अरे जैसी तैसी भी बात, तो अल्लाह के दीन के तकादे के लिए अगर कोई नहीं भी है तो हर घर के हर फर्द की इंशाल्लाह हम सब मुलाकात करेंगे। नियत करो इंशाल्लाह हम सब 2.5 घंटे लगाएंगे। कौन कौन लगाएगा? पक्की बात करते हैं। एक बात और पूछ लो, नाराज तो नहीं होंगे? आपकी डिक्शनरी में नाराजगी का लफ्ज नहीं है? अब तक 2 घंटे 29 मिनट और 60 सेकंड कौन कौन लगाता था? जरा हाथ उठाओ, देख लो। नहीं हाथ उठाओ, जो है वो तो उठाओ ताकि मैं गिन लूं। एक और दो तीन चार पांच दस बीस पचास। हालांकि गुज़िश्ता साल भी ये बात हुई थी और हम सब ने नियत की थी लेकिन हम भूल गए। आज नियत करो इंशाल्लाह भूलेंगे नहीं। आप लिख लो अपनी डायरी में, आज से रोजाना खाना, रोजाना पानी पीना, रोजाना इस्तिंजा करना, रोजाना सोना, रोजाना नमाज भी पढ़ना और रोजाना 2.5 घंटे भी लगाना। करोगे ना इंशाल्लाह? तीसरा अमल जो रोजाना करने का है, घर मस्जिद की तालीम। दो अमल, दो तालीम मिलाकर एक अमल है। एक बात और पूछ लो, नाराज तो नहीं होंगे? अरे बोलो, नाराज की तो तुम्हारी डिक्शनरी में नहीं है ना? मैं पूछ रहा हूं, इनमें से अपने घर की तालीम में अपनी जात से कौन कौन शरीक रहता है? जरा हाथ उठाओ ना। अब देख लो 50-100 आदमी। अब नियत करो कि इंशाल्लाह घर की तालीम भी होगी और हम अपनी जात से शरीक रहेंगे। नियत करो इंशाल्लाह हम सब रहेंगे। आपको मालूम नहीं, हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जिन घरों में अल्लाह का जिक्र होता है, कुरान पाक की तिलावत होती है, अल्लाह उसके रसूल की बातों का मुजागरा होता है, वो घर आसमान वालों के नजदीक ऐसा चमकता है जैसे दुनिया वालों के नजदीक आसमान के सितारे चमकते। हमारा घर फर्नीचर से, मार्बल से, ग्रेनाइट से और दुनिया के कलर से नहीं चमकेगा बल्कि आमाले दावत से चमकेगा। और अगर हमारे घरों में तालीम का अमल होगा तो जितने टेंशन प्रॉब्लम मसाइल आते हैं ना शादी पर और बच्ची के बड़ी हो जाने पर और बच्चों के जवान हो जाने पर, बच्चे जिद करते हैं, बीवी कहती है शादी में ये होना चाहिए, इतने आदमी की दावत, इतना वलीमा, इतना खाना, इतने कपड़े, लेकिन अगर घरों के अंदर तालीम का अमल जिंदा करोगे, हमारी बेदीनी के सुराख जितने लगे हुए हैं घर की तालीम की बरकत से अल्लाह उन सुराखों को बंद कर देगा। वरना हमारे घर में हम ही अपने घर से बेघर हो जाएंगे। जब बच्चे जवान हो जाते हैं ना तो बीवी और बच्चों का ग्रुप एक बन जाता है और मियां अलग हो जाता है। अरे बोलो ऐसा होता है कि नहीं? बच्चे और माँ इनका ग्रुप बड़ा हो जाता है, फिर आदमी थक जाता है। अगर हमको बेदीनी दूर करानी है और घरों में बगैर मुश्किलात के, बगैर टेंशन के अल्लाह के और अल्लाह के नबी की सुन्नतों को जिंदगियों में लाना है तो नियत करो इंशाल्लाह घरों की तालीम का अमल जिंदा करेंगे। हजरत खंसा अपने चारों बेटों को अल्लाह के दीन के तकाजे पर शहीद होने के लिए उभार रही। बीवी अम्र इब्ने जमू इनके शोहर पैर से लंगड़े हैं लेकिन उनको तैयार कर रही। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा 1 लाख दिरहम सदका आए, कैसे हदिया, रिश्तेदार को, खानदान को, पड़ोसियों को, गरीब को, बेवा को, मिस्किन को देती रही देती रही देती रही। शाम का वक्त हो गया और 1 लाख दिरहम एक दिन में सदका कर दिया। उस वक्त के 1 लाख दिरहम आज के कितने हो गए? बोलो, 1 करोड़ हो गए। सब सदका कर दिया। शाम को बांदी ने यूं कहा, ए आयशा, अगर 1 दिरहम बचा लेती, हम गोश्त खरीद करके पकाकर आज रोजा है इफ्तारी में इस्तेमाल कर लेते। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला ना कहने लगी, अब क्या ताना देती है, पहले करती, याद दिलाती तो 1 दिरहम बचा लेती। क्या मतलब?
اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے، اپنی آخرت کو آباد کرنے کے لیے، اپنی پیاس بھوک اپنے راحت کو بھی نہیں یاد رکھا اور سب کے سب لگا دیا۔ یہ گھروں کا ماحول کب بنے گا؟ جب گھر کی تعلیم میں ہم سب شریک ہوں گے۔ نیت کرو انشاءاللہ ہم گھر کی تعلیم میں اپنی ذات سے بیٹھیں گے اور اپنے 6 مہینے کے بیٹے کو بھی، دودھ پیتے بیٹے کو بھی بٹھائیں گے، سلائیں گے۔ ایک وقت طے کر لو، ریحال چٹائی بچوں کو کہہ دو، دیکھو بچوں 4 بجے 8 بجے 10 بجے کھانے کے بعد ہماری یہ تعلیم کا عمل ہوگا، بچے تیاری کر لے۔ ایسے وقت میں موبائل سے بات مت کرو، دنیا کی بات مت کرو، تعلیم ہوتی ہو اور آپ دوسرا کوئی دنیا کا کام نہ کرو، ورنہ بچوں کی زندگی میں یہ بات آئے گی کہ اس سے بھی زیادہ اہم کام تھا، اس کے لیے ابو تو ٹیلی فون سے بات کر رہے ہیں۔ ہاں، ہمارے اندر کی ناقدری آج ہماری رفتہ رفتہ بے دینی کو آگے بڑھا رہی ہے اور دینداری کو مٹا رہی ہے۔ تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب گھر کی تعلیم میں شریک رہیں گے، ارے رہو گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا عمل، تعلیم کا دوسرا جز، مسجد کی تعلیم میں ہم سب بیٹھیں گے 24 گھنٹے، اور 1 گھنٹے میں کتنی منٹ آپ گن لو، اتنی تمام منٹوں میں اگر 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ مسجد کی تعلیم میں بیٹھ گئے، اعمال کا نفع، بدعمالی کا نقصان، ایک عمل پر کیا، ایک سبحان اللہ پر کیا ملے گا، اگر یہ آپ سنتے چلے جاؤ گے، آدمی کو عمل کے دروازے سے، ترغیب کے دروازے سے عمل کی توفیق کا دروازہ کھلے گا۔ میں آپ کو ایک بات پوچھوں، کون چاہتا ہے کہ میں اندھا ہو جاؤں؟ ارے بولو، کوئی چاہے گا؟ کون چاہے گا کہ میرے کو لکوا لگ جاوے؟ نہیں۔ کون چاہتا ہے کہ میرے کو کوڑ کی بیماری لگ جاوے؟ نہیں، ہر آدمی نہیں چاہتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان علاج بتلایا، جو آدمی صبح میں 3 مرتبہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، کتنی مرتبہ بولو؟ سبحان اللہ العظیم، آگے بولو وبحمدہ، اگر اتنا پڑے گا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اندھے پن سے حفاظت کرے گا، فالج کی بیماری سے حفاظت کرے گا، اور کوڑ کی بیماری سے اللہ حفاظت کرے گا۔ اب جب سنیں گے، عمل کریں گے، اللہ کے نبی کی بات کبھی بھی غلط، ہر آدمی چاہتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے، ان کی چھوٹی چھوٹی 5 یا 7 لڑکیاں ہیں، حضرت عثمان غنی پہنچے، زندگی کا آخری وقت ہے، کچھ مال کا ہدیہ دے کر، اور یوں کہا عبداللہ اس کو اپنے جیب میں رکھ لو، کہیں آگے چل کر کام آ جائے گا۔ بیدار ہو کر کہنے لگے، میرے کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے گی اس گھر میں فقر و فاقہ داخل نہیں ہوگا، میں نے اپنی تمام بچیوں کو سورہ واقعہ سکھلا دیے، اب میرے کو یقین ہے میرے گھر میں کبھی فقر و فاقہ داخل نہیں ہوگا۔ اب یہ فضائل کے اعمال کی کتاب کی تعلیم میں بیٹھ کر جب سنیں گے، عمل کرنے کی توفیق اللہ پاک دیں گے، تو اللہ کے نبی کی حدیث کی باتیں یقینی طور پر اللہ پاک اس کا نتیجہ لائیں گے۔ تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب روزانہ گھر کی اور مسجد کی تعلیم میں شریک رہیں گے اور اس کی محنت کریں گے۔ اگر مسجد میں 100 آدمی نماز کے لیے آ گئے، 50 آدمی بیٹھے ہیں، تو پہلے تو ان 100 کو بٹھانے کی محنت کر لو، پھر پورے محلے کے 80% نماز نہیں پڑھتے ان کو نماز پڑھ لاؤ، پھر اس کے درمیان کے اندر ان کو مسجد میں تعلیم میں بٹھانا، مسجد و جماعت میں بٹھانا، 2.5 گھنٹے لگوانا، یہ ہمارے محلے کی بے دینی کو دور کر دیں گے۔ اور آپ یہ مت سمجھو جب محلے میں آگ لگے گی تو ہمارا گھر محفوظ رہے گا، آج بے دینی کی آگ لگی ہے۔ ہمارا ایک ساتھی کہنے لگا، مولانا ہندوستان کے کسی بھی کونے پر کوئی بھی چیز آج وجود میں آتی ہے، آج شام کو 12 بجے سے پہلے پہلے اس کو صورت میں لانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو جب دنیا کی چیزیں اتنی فاسٹ آ جاتی ہے، تو دوستو بزرگو، بے دینی کا سیلاب تو بڑی تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ آپ نے اگر کوئی عمل کیا، پورے محلے میں پتہ چل جائے گا، اور ہمارے بچے، نوجوان لڑکے لڑکیاں چونکہ بے دینی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اللہ کی مدد نہیں ہوگی۔ یہ گھر کی تعلیم، مسجد کی تعلیم، یہ 2.5 گھنٹے مسجد و جماعت میں بیٹھنا، اپنے محلے کے 100% مردوں کی عورتوں کی فکر کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا
انصار اللہ, اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. تو نیت کرو انشاءاللہ گھر مسجد کی تعلیم میں شریک رہیں گے. ارے رہو گے انشاءاللہ. کتنے عمل ہو گئے؟ ارے بولو, تین. کتنے؟ چوتھا عمل. پورے ہفتے میں 168 گھنٹے ہوتے ہیں, 7 دن کے. ایک اپنی مسجد کا گشت, ایک مشورے سے غیر مانوس علاقے میں جہاں اعمال دعوت نہیں ہے, نماز نہیں ہے, قرآن نہیں ہے, مشورہ نہیں ہے, تعلیم کا عمل نہیں ہے, جہاں بھی مشورہ, 2-2.5 مہینے کے اندر دوسرا گشت ہمارا بدلے گا. یہ 2 گشت, ایک گشت میں اگر 1.5-2 گھنٹے تو 2 گشت ملا کر 4 گھنٹے. ارے بولو, 168 گھنٹے میں 4 گھنٹے لگانا کوئی مشکل ہے؟ نیت کرو انشاءاللہ دونوں گشت کریں گے. ارے کرو گے انشاءاللہ. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا عمل یہ گشت والا عمل تھا. سورہ نوح میں اللہ نے فرمایا, انی دعوت قومی لیلا و نہارا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال تک رات اور دن گشت کرتے رہے, گشتے رہے. لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے, ان کی بات کو نہیں سنتے تھے, لیکن یہ اپنا عمل کرتے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں, مینا میں, اوقاز میں, بازار میں, آنے والے قبائل جو حج کے لیے آتے تھے, آپ گشت کیا کرتے تھے؟ آپ ابو جہل کے گھر میں بھی کتنی مرتبہ گشت کیا؟ یہ نبیوں والا عمل ہے, نبیوں کے عمل کے مشابہ. اور جس کو ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے, ریڑھ کی ہڈی اگر نہیں ہو آدمی بدن میں لوتھرا بن جاوے. فرمایا جیسے بدن کا قیام, اٹھنا بیٹھنا, چلنا بھاگنا, سونا دوڑنا, یہ تمام چیزیں ریڑھ کی ہڈی کی برکت سے, ایسے ہمارے دین میں گشت کا مقام ریڑھ کی ہڈی کے برابر ہے. اور سب سے بڑی بات سنا دوں میں حدیث. ارے بولو, گشت کریں گے دونوں انشاءاللہ. کون کون نیت کرتا ہے دونوں گشت کریں گے؟ آج تک دنیا والوں نے یہ بتلایا ہوا چلے گی. ابھی کل ہی میں نے ایک آدمی کو پوچھا, میں بھی آج کل ہوا بہت چل رہی ہے, بولے آج کے اخبار میں آیا کہ ہوا اور بڑھے گی. ہوتا ہے نا سائیکلون, زلزلہ, دھرتی کم, بولے یہ ہوگا. دنیا میں لوگ اس کی پیشن گوئی کرتے ہیں, لیکن بولو آج تک اس کا علاج کسی نے بتلایا؟ اب اتنی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے, اس کا علاج یہ نہیں, کوئی نے نہیں بتایا. ہمارے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جس بستی میں مسجد کے آباد کرنے کی محنت ہوتی ہے, آخری رات میں اٹھ کر توبہ اور استغفار کرتے ہیں اور آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں, اللہ اس بستی کے عذاب کو موقوف کر دیتا ہے. ہمارا گشت والا عمل, ہماری اس بے دینی اور بے دینی کی وجہ سے آنے والے عذابات سے اللہ حفاظت کرے گا. مہنگائی بہت بڑی عذاب ہے, مشغولی بہت بڑا عذاب ہے, گرمی میں سردی, سردی میں گرمی, بارش میں گرمی, اور گرمی کے دنوں میں بارش, یہ تمام بے موسم, یہ دوستو بزرگو اللہ کی طرف سے عذاب ہے. اس کا علاج میں اور آپ بہت لمبا چوڑا وقت نہیں دے سکتے, ہم کمزور ہیں. اللہ پاک نے بزرگوں کے دن میں بات ڈالی, ہفتے میں 2 گشت کر لو, اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ پاک اس کی برکت سے عذابات کو دور کر دیں گے اور تمہارے مسائل کو حل کر دیں گے. ہمارے ایک ساتھ ایک بزرگ کے پاس آیا, کہنے لگا میری بیوی بہت سیریس ہے, تم دعا کر دو. بولے یہ گشت کا وقت ہے, جا گشت میں چلا جا, گشت کر کے آ کر دعا مانگ لے, اس وقت کی دعا تیری اللہ پاک قبول کر لیں گے. ہم اس کو معمولی نہ سمجھے, ہاں بلکہ خوشی ہو. دلہا کیا خوش ہوگا اور عید کے نئے کپڑے پہننے والا نوجوان کیا خوش ہوگا, میں اور آپ خوش ہو جاوے. آج پیر کا دن ہے, آج منگل کا دن ہے, آج میری مسجد کا گشت کا دن ہے, آج نبیوں والا کام کرنا ہے. اللہ والے صبح میں اٹھ کر تہجد سے اللہ کے سامنے مانگتے تھے, اے اللہ روزانہ ہم تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, اے اللہ آج تو خصوصاً نبیوں والے کام کرنے کا دن ہے, اے اللہ تو ہمارے کو گناہوں سے اور زیادہ حفاظت میں رکھنا. کچھ لوگ روزہ رکھتے تھے, کچھ لوگ صبح سے چلتے تھے, صدقہ خیرات کرتے تھے, خوشی محسوس, جیسے عید کے دن خوشی ہوتی ہے اور دلہا کے دن خوشی ہوتی ہے اور حج کے لیے جانے والوں کو خوشی ہوتی ہے, اس سے زیادہ خوشی دوستو بزرگوں اس بات کی ہونی چاہیے. آج اللہ کے دین کی محنت کرنے اور نبیوں والے کام کرنے کا موقع اللہ نے ہم کو عطا فرمایا.
अगर इतनी अजमत के साथ गश्त करेंगे अल्लाह की जात से उम्मीद है इंशाल्लाह हमारा गश्त हमारे मसाइल को हल कर देगा, दुनिया के फितने को खत्म कर देगा और अल्लाह पाक दुनिया में हिदायत को आम करेगा। तो नियत करो इंशाल्लाह हम सब दो गश्त पाबंदी के साथ करेंगे, करोगे इंशाल्लाह? कौन कौन करेगा? पक्की बात। अच्छा दूसरा गश्त कौन कौन करेगा? ये जरा काठा है ना, क्यों काटा है मालूम है? अमल नहीं करते इसके लिए काटा है। एक आदमी को साइकिल चलाना नहीं आवे तो कहेंगे यार साइकिल चलाना बहुत मुश्किल है, बहुत काटा है। और एक आदमी हवाई जहाज सीख करके चलाना लगे तो बोलो उसको खेल है कि आसान। हमने दूसरा गश्त की नियत नहीं की, अमल नहीं किया इसके लिए हमको, लेकिन आज नियत करो इंशाल्लाह हम सब दूसरा गश्त करेंगे, करोगे इंशाल्लाह? और पांचवा अमल, कितने अमल हो गए देखो, मैंने जल्दी इसके लिए पूरा कर दिया ताकि अभी कुछ अमल बाकी है। चले तो नहीं जाओगे ना? अरे भाई जाओगे तो नहीं ना? कौन कौन जाएगा जरा हाथ उठा दो ना। सब बैठोगे? सब बैठोगे? अरे हाथों को, हाँ इसलिए कि लखानो ते वंचाणो, मालूम है ऐसा बोलते तुम लोग, तो अभी आज तुम सब लिखेंगे कि भाई कब तीन दिन लगाओगे, कब ढाई घंटे, कब गश्त, कब तालीम, और ये अल्लाह के दरबार में जाएगा और अल्लाह पाक कबूलियत की मोहर लगा देवे। और जब अल्लाह कबूल कर ले बोलो दुनिया की कोई बॉर्डर हमको टच कर सकती है? अरे वीजा मिल जाए उसके बाद कोई बॉर्डर हमको रोकेगी? अगर अल्लाह की तरफ से परवाना मिल गया, जाओ जो तुमने नियत की हो कबूल है, तो फिर दोस्तों बुजुर्गों मशगूली, बीवी बच्चे रिश्तेदार खानदान, तंदुरुस्ती बीमारी, घूमना फिरना, माल दौलत, कोई चीज हमको नहीं रोकेगी। बल्कि एक आदमी की मुलाकात हुई, कहने लगे 32 साल हो गए मेरी कभी गश्त में नागा नहीं हुआ। हमारे एक बुजुर्ग कहने लगे एक मरतबा में यूपी की ठंडी की रात में आया, भूख लगी थी, बीवी ने रात के 12 बजे गरम गरम खाना खिलाया और पहला लुकमा मैंने उठाया और मैंने बीवी को पूछा आज घर की तालीम हुई थी? बीवी ने कहा मेहमान आए थे, कुछ मशगूली थी खाना पकाने की, आज की तालीम छूट गई। वो बुजुर्ग ने और कुछ नहीं किया, नाराज नहीं हुए, गालियां नहीं दी, अपनी बीवी को बुरा भला नहीं कहा, तो टेढ़ी पसली से ही पैदा हुई, आपने खाना छोड़ दिया। बीवी ने बहुत मन्नत समाजत की कि आज भूल हो गई, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा, नहीं कोई बात, सो गए। क्या हमारे घरों में सारी दुनिया के चर्चे हो और अल्लाह उसके रसूल की बातों का मुजागरा ना हो? बस सो गए। वो कहने लगे उस दिन से लेकर आज 29 साल हो गए मेरे घर में कभी तालीम का नागा नहीं हुआ। एक तरतीब है दुनिया में अपने बीवी बच्चों को, या युहल्लजी नामनु कु अनफुसकुम वाहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो ये अमाल के जरिए से हमारे बीवी बच्चों की जिंदगियों में दीन आएगा और जब दीन आएगा अल्लाह जहन्नम की आग से बचाएंगे। तो नियत करो इंशाल्लाह पांचों अमल पाबंदी के साथ करेंगे। पांचवा अमल तीन दिन लगाना, कितना दिन लगाना बोलो? तीन दिन, इतना जोर से मत बोलना, तीन दिन। जब बहुत 4 महीने तो आदमी को मुश्किल लगता है, कहां गए थे 4 महीने? इतना आसान बोल देना ताकि हल्का लगे कि नहीं 4 महीने तो हर आदमी लगा सकता है। एक आदमी 30 दिन कारोबार करे, कितने दिन बोलो? कमावे, मुलाजिमत, फैक्ट्री, खेती बाड़ी, मजदूरी, अल्लाह कितने दिन की रोजी देंगे? 30 दिन की। अरे बोलो, अगर उसने 30 दिन मेहनत की तो अल्लाह कितने दिन की रोजी देंगे? जब बोलो ना। एक आदमी 3 दिन अल्लाह के रास्ते में गया और 27 दिन कारोबार, फैक्ट्री, मुलाजिमत, मजदूरी की, अल्लाह कितने दिन की रोजी देगा? अरे बोलो, 30 दिन। एक आदमी 10 दिन अल्लाह के रास्ते में गया और 20 दिन फैक्ट्री, दुकान, मुलाजिमत,
मजदूरी उसने की। बोलो अल्लाह कितने दिन की रोजी देंगे, तक जोर से बोलो ना, अंदर उतारने की जरूरत। तो एक आदमी 30 दिन मेहनत करे 30 दिन की रोजी, और एक आदमी 3 दिन अल्लाह के रास्ते में जावे, 27 दिन कारोबार मुलाजिमत फैक्ट्री करे, अल्लाह पाक 30 दिन की रोजी देवे, तो अकलमंद पहला के दूसरा। अरे बोलो, तो तुम दूसरे में बनोगे कि पहले में बनेंगे? दूसरे में कौन कौन तैयार है अपने आप को बनाने के लिए? क्या मतलब? हर महीने के 3 दिन पाबंदी के साथ लगाना। और मैं आपको और बात सुनाऊं, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक लेकर आएगा अल्लाह एक के 10 देंगे। एक के कितने देंगे बोलो? तो जो 3 दिन लगाएगा अल्लाह कितने दिन का सवाब देंगे? फिर दूसरे महीने में 3 दिन लगाएगा अल्लाह कितने दिन का सवाब देंगे? यूं करते करते 11 महीने दिया, और चिल्ला 4 महीने अल्लाह के रास्ते में अगर हर महीने 3 दिन लगाए, तो पूरी जिंदगी दावत की मुबारक मेहनत में अल्लाह पाक उसका शुमार फरमाए। अरे बोलो है कि नहीं? और एक आदमी 30 दिन मेहनत करे और 30 दिन कमावे, और एक आदमी 27 दिन मेहनत करके 3 दिन अल्लाह के रास्ते में जाकर 30 दिन की रोजी लेवे, अकलमंद तो यही है। एक जगह मैंने बात की, एक आदमी कहने लगा, मौलाना तुम तो महीने की बात करते हो, मैं तो साल में 3 दिन कमाता हूं और अल्लाह पूरे साल की रोजी देता है, आपके यहां ऐसा है? हमारे सूरत में है। एक जगह मैंने कहा तो एक आदमी ने कहा भाई मेरे को भी सूरत ले जाओ नहीं यार, तो मैं भी 3 दिन मेहनत करूंगा और 357 दिन बैठे बैठे खाऊंगा। और मैं तो कहता हूं ये तो हम लोग करते हैं, वरना हमारे सूरत में 80% लोग तो ऐसे जो बिल्कुल बैठे बैठे ही खाते हैं। आप क्यों वहां है? जो मेहनत करेगा वो खाएगा, लेकिन जो मेहनत नहीं करेगा वो खाएगा? हमारे वहां 80% लोग बोलो बैठे बैठे खाते हैं। आप क्यों वहां है? एक आदमी ने मेरे को पूछा यार बतलाओ ने वो कौन सी किस्म है, कौन सी बिरादरी है, वो क्या वजीफा पढ़ते हैं कि बैठे बैठे खाते हैं? मैंने कहा एक आदमी है, उसका निकाह हुआ, एक के कितने हुए? 3 बच्चे हुए। कितने हुए? शोहर अकेला कमाता है, बीवी और 3 बच्चे बैठे बैठे खाते हैं, 20% कमाते हैं और 80%। आप क्यों वहां है? आनंद में है? अभी तो ना कहते थे आप। अच्छा एक आदमी कहने लगा मौलाना मेरे तो 8 बच्चे हैं, 1 बीवी 9 और मैं 10वां, मैं अकेला कमाता हूं, 9 बैठे बैठे खाते हैं। तो मैंने कहा तेरे यहां तो 10% कमाने वाले और 90%। फिर मैंने उसको सुनाया कि मेरे वहां एक आदमी था, इसके 18 बच्चे थे। कितने बोलो? बीवी और शोहर मिलाकर कितने हो गए? एक शोहर कमाता था और 19 बैठे बैठे खाते थे, तो कितने टके कमाने वाले हो गए? और मैं आपको सुनाऊं, बाजे लोग तो इस दुनिया में बाजे मखलूक ऐसी है जो 100% बैठे बैठे खाती है। आपने कभी देखा एलिफेंट एंड सन्स नाम की दुकान, हाथी और उसके बच्चों की दुकान कभी देखी? अरे बोलो, 100% बैठे बैठे अल्लाह इनको खिलाता है कि नहीं? ये तो जिम्मेदारी किसकी है बोलो? आदमी कहता है कि यार मेरे को तो टाइम नहीं मिलता और मेरे को तो छुट्टी नहीं मिलती। अरे तू नियत तो कर ले, फिर अल्लाह का निजाम चलेगा। हमारा एक साथी गया ऑफिसर के पास, साहेब मारे चिल्ला में जाऊ छे, एक दिवस आवीने आराम करीस, 41 दिवस ने रजा आपी दो। उसने कहा कि तेरी छुट्टी तो 14 बैलेंस है, मैं तो 14 दिन की छुट्टी दूंगा। लेकिन उसकी नियत पक्की थी, उसने दुआ भी 40 दिन की मांगी, एप्लीकेशन भी 41 दिन की दी। अब वो ऑफिसर कलम चलाने गया 1 और 4, और चल गया क्या बोलो? 4 और 1। तो कलम चलाना किसके हाथ में था?
लेकिन हमारी नीयत कमजोर है तो कहते हैं ना, जब आदमी को नाचना ही नहीं हो तो आदमी क्या कहता है, ऐसा है। अगर ये मजमा नीयत कर ले कि हम हर साल के 4 महीने लगाएंगे, बोलो अल्लाह पाक आसान करेंगे कि नहीं। हमारे एक बुजुर्ग थे गोधरा में, इंतकाल हो गया हाजी अब्दुल रहमान करके, 56 मरतबा 4 महीने लगाए। मैंने एक जगह बात की तो वहां से एक आदमी ने पर्चा दिया, गोधरा वाला था, उसने कहा मौलाना इतना नहीं है, ये हर साल 4 महीने लगाते थे, 56 मरतबा 4 महीने लगे, ये हर महीने 10 दिन लगाते थे, ये हर रोज 8 घंटे लगाते थे, ये जब भी तकाजा आता था तो अपनी जमात को लेकर चले जाते थे, और इसके अलावा जब भी मौका मिलता था अपने घर और मस्जिद के अलावा कहीं नहीं गए, और इनके जनाजे के अंदर पूरा गोधरा बंद हो गया था और हजारों का मजमा आ गया। तो आदमी जब नियत कर लेता है तो बोलो अल्लाह पाक, तो मैं आपको बात सुनाना तो रह गए कि जो साल में कितने दिन कमाता था, तुम सब हर महीने 3 दिन लगाओगे, कौन कौन लगाएगा? और धंधा सुना तो मैं आपको 3 दिन वाला, आपके यहाँ तो नहीं है ना, हमारे सूरत में है, आपके यहाँ तो नहीं है ना। मैंने उसको पूछा कि तू क्या काम करता है, उसने कहा मैं बकराईद के 3 दिन चमड़े का काम करता हूँ, बाकी 357 दिन बैठे बैठे कमाता हूँ। अरे बोला आपके वहां है, वो तो अल्लाह मुकद्दर की रोजी देने वाला है, लेकिन मैं आपको पूछता हूं, एक आदमी ट्रैफिक पुलिस का काम करे उसका लिबास कौन देगा, बोलो? उसके जूते, उसके मोजे, उसकी टोपी, अगर ऑन ड्यूटी बीमार हो जावे तो उसका इलाज, और अगर ऑन ड्यूटी मर जावे तो उसकी जगह पर उसके घर से बेटा भाई वगैरह लेना, ये इनका जिम्मे है। क्यों? हुकूमत का काम करता है। एक आदमी अल्लाह का काम करेगा तो क्या अल्लाह उसको रोजी नहीं देगा? क्या अल्लाह उसकी बिगड़ी बना देगा? क्या अल्लाह पाक उसको भूखा रखेगा? नहीं। तो नियत करो इंशाअल्लाह, आज से हम ये 5 अमल पाबंदी के साथ करेंगे इंशाअल्लाह। अरे करोगे इंशाअल्लाह, कौन कौन करेगा? एक थोड़ी देर बैठ ले, देखो 4 में 5 को हमको मैंने इसलिए बंद कर दिया कि 4 में 5 को तुमको छोड़ देना है मेरे को। अब आपको यहां से पढ़ते देंगे, हर मस्जिद वाले हल्के वाले, फिर उसके बाद अपनी मस्जिद वाले बैठ करके आपके 3 दिन कौन से हफ्ते में, 2.5 घंटे कब लगाओगे, घर मस्जिद की तालीम कब, ये 5 अमल लिख करके हमको जमा करा दो। अल्लाह की जात से उम्मीद है इस साल 2019 का हमारा ये मकामी बैठने का मुजागरा इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाएगा। तो सब बैठोगे इंशाअल्लाह, एक 10 मिनट का मसला है बस, कैसे देंगे? अच्छा एक काम करो, एक एक साथी यहाँ आ जाओ मेरे पास, खंबात का एक, इस्लामपुरा का एक, तारापुर का एक, सोजीतरा का एक, चांगा, बोरसर, नापा, आसोदर, मोगर, बाले, नड़ियात, फुटेज, कंजरी, कपड़वन, डाकोर, मरकज, बिस्मिल्ला, इस्माइल नगर, नूतन नगर और इनामी जोन। एक एक साथी यहाँ आ जाओ, आपकी मस्जिद के मुताबिक आपको देंगे। अब वहां जाकर अपने अपने हल्के के एतबार से बैठना, अपने भाई बैठ जाओ, ये लाल शर्ट वाले को बिठा दो, ओ भाई अभी कहीं नहीं जाना, अपने अपने हल्के के एतबार से, ये भाई जहां बैठे हैं, आपका हल्का जाओ, कहां बैठे हैं, अलग अलग बैठे हैं, देखो करीजे, ये जनों दर्शन देखो करीजे, आदि जी यार।